ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। श्री शुक्ला ने देवास जिले में धार्मिक एवं वैवाहिक आयोजन के लिए जारी किए नवीन प्रतिबंधनात्मक आदेश। कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा को आशंकित संकट को दूर करने तथा सुरक्षा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि वे अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना करेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो, साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में पूर्ववर्त अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी SDM SDOP को निर्देशित किया है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। क्योंकि अभी हमारा कई कोरोना अभियान चल रहा था और उसके तहत हमने घर घर में जाकर के सर्वे किया। पिछले 15 दिन में लगभग 4000 से ऊपर सर्वे हुए हैं। ये देखने में आया कि काफ़ी संख्या में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, एक्टिव पेशेंट्स थे जो कि अभी निकल करके बाहर आए हैं। उसके कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या हमको थोड़ी ज़्यादा दिखी है। ये जो डाटा है उसको देखने से बड़ा स्पष्ट है कि हमें थोड़ी सी सख्ती अभी और करनी पड़ेगी और जितने भी धार्मिक कार्य हैं या कि त्यौहार हैं, अभी उसके संबंध में शासन ने भी उनको ये निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। कोई भी जो पंडालों में बहुत सारे लोग जैसे गणेश जी की मूर्ति लगा के काफ़ी संख्या में एकत्रित होते थे, वो सब अब प्रतिबंधित नहीं रहेगा। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पूजा अर्चना का कार्य करना है वो अपने घरों में करें। अगर गणेश जी की स्थापना करनी है तो घरों में करें, बाहर पंडालों में नहीं करें। एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण चीज़ परिलक्षित हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में देखा है कि शादी ब्याह में जो लोग शामिल होते हैं उसके कारण काफ़ी मरीज सामने आते हैं और वो सब एक चूँकि भीड़ इकट्ठा होती है तो एक दूसरे को फैलाते हैं। तो पूर्व में जैसे 50 लोगों की अनुमति थी, वो अब कम करके वर पक्ष से 10 और वधु पक्ष से भी 10 ही लोग, अधिकतम 20 लोग ही किसी शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। जो किसी फनरल में लोग पहले जाते थे उसमें 20 की पूर्व में भी अनुमति थी, अभी भी 20 की रहेगी। साथ ही एक हम विशेष ड्राइव चला रहे हैं IEC के माध्यम से कि अगर लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो उनको अब जुर्माने की राशि जो हम पहले नॉमिनल करते थे अब थोड़ी सी बढ़ाएंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति अगर मास्क बिना लगाए घूमता पाया जाता है, उसको सख्ती के साथ उसके साथ में जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में आज मैंने 144 आदेश भी जारी कर दिए हैं और जिसमें किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के समूह को प्रतिबंधित किया गया है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी और काफ़ी सख्ती। अब लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे ना? लॉकडाउन अभी लगाने का नहीं है, अभी हमारी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। और साथ में ये आवश्यक है कि जो अनलॉक के साथ में जो हमारी शर्तें हैं उसका लोग पालन करें। अगर कोई व्यक्तिगत हमको ये देखने में आता है कोई दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहा है, जिनको हमने खोलने की अनुमति दी है, हम सख्ती से उसकी दुकानों को बंद कराएंगे। और अगर लोग अगर पालन करते हैं नियमों का जो अभी 144 आदेश हुआ है उसके तहत खोलते हैं तो वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। अगर कोई उसका पालन नहीं करता है, इसका उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, दुकानों को भी बंद कराएंगे, साथ में उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार। अभी राष्ट्रीय नवाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना
ना भूलें।